हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर जो है कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में जो आज न्यूज़ के बेसिस पे वॉलीटिलिटी में शेयर में देखने को मिल रही है। उससे पहले हम बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करेंगे तो दोनों में अच्छा खासा एक दबाव देखने को मिल रहा है। नीचे के स्तर पर ट्रेड आज करते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले स्टॉक की तरफ। पहले स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर स्वान एनर्जी। बेसिकली क्या है, स्वान एनर्जी द कंपनी अप्रूव्ड रेजिंग रुपीज़ 4000 करोड़ रुपये वी मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर जो है 4000 करोड़ रुपये यहाँ पर जो है रेज करते हुए देखने को मिलेगी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक क्या डिवेंचर्स बॉन्ड्स जो जो यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट है उससे यहाँ पर जो है 4000 करोड़ रुपये रेज करते हुए देखने को यहाँ पर स्वान एनर्जी मिल सकती है। तो अभी की बात करें तो 511.75 रुपये के आसपास लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहा है, लगभग लगभग 1 रुपये नीचे है, आप फ्लैट ही मान सकते हो उसको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। तो अगले स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर जो है PNB क्या द बैंक अप्रूव्ड रेजिंग 7500 करोड़ रुपये इन वन और मोर ट्रेंचेस ड्यूरिंग नेक्स्ट फाइनेंशियल अगले फाइनेंशियल ईयर पर यहाँ पर जो है 7500 करोड़ रुपए जो है रेस करते हुए देखने को मिलेगी FPO और QIP के जरिए यहाँ पर जो है रेस करते हुए यहाँ पर जो है PNB देखने को मिल सकती है। अब अभी की बात करें तो यहाँ पर फ्लैट ये भी ट्रेड कर रहे हैं 95.55 रुपये पर, ये आज की ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बात करते हैं। ये ICICI लंबार्ड, इसमें थोड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि क्या द कंपनी रिसीव्ड 1728 करोड़ का डिमांड यहाँ पर GST नोटिस को मिलते हुए देखने को मिल रहा है, जिसपे 172 करोड़ रुपए की यहाँ पर पेनल्टी है। कब से कब तक का है, जुलाई 2017 से मार्च 2022 तक का। तो 1728 रुपये का GST नोटिस मिलता है देखने को मिल रहा है, 172 करोड़ रुपये की यहाँ पर पेनल्टी अलग से है इसमें देखने को मिल रही है। बेसिकली यहाँ पर जो है कंपनी ने की तरफ से भी कमेंट रहा है, कंपनी ने सीधा सीधा यहाँ पर देने के लिए मना कर दिया है। ये कह रहे हैं ये अदालत में जाएगी, वहाँ पर जो है फाइल अपील करेगी कोर्ट से जो भी है। तो अभी देखने वाली बात होगी क्या होगा, मगर फिलहाल की बात करें तो 16 रुपये नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, 1420 रुपये के आसपास ये काउंटर ट्रेड करता है देखने को मिल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक की तरफ हम बात करते हैं। तो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। बेसिकली क्या था, कंपनी रेज इट्स स्टेक यूनिट फिनिश इंटरनेशनल डिज़ाइन, इसमें यहाँ पर जो है स्टेक बढ़ाते हुए देखने को मिली है। पहले 58.7% स्टेक था, 63.5% का स्टेक यहाँ पर देखने को मिला है। कितने लागत के साथ 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो है स्टेक बढ़ाते देखने को मिली है ABFRL। वैसे बात करें तो यहाँ पर जो है 4 रुपये ऊपर आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहा है, लगभग 224 रुपये के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो बात करते हैं यहाँ पर इन्फो एज की। नौकरी काफ़ी बड़ा शेयर है, द कंपनी विल इन्वेस्ट 25 करोड़ इन जोयम डिजिटल, अपनी ही यहाँ पर होली ओन सब्सिडरी, अपने सब्सिडरी में यहाँ पर जो है 25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते देखने को मिलेगी। लगभग अभी काउंटर की बात करें तो 0.15% मतलब 7 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है, 5141 रुपये के भाव के आसपास ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग फ्लैट ही मान सकते हो, कुछ ज़्यादा यहाँ पर जो है गिरावट देखने को नहीं मिल रही। वैसे न्यूज़ तो यहाँ पर पॉजिटिव ही निकल के आई है। तो नेक्स्ट ईयर की बात करें तो हम कामा होल्डिंग्स। बेसिकली कामा होल्डिंग्स में यहाँ पर जो है जो प्रमोटर है 17234 शेयर बेचते देखने को मिले, जो कि होता है 0.05% बेसिकली। तो यहाँ पर 75% करने के लिए यहाँ पर बेचते देखने को मिले, ये बेसिकली सेबी का रूल है। यहाँ पर जो है 75% से ऊपर यहाँ पर जो है कोई भी प्रमोटर अपना होल्डिंग नहीं रह सकता। जब भी कोई IPO आता है वो 3 साल के अंदर अंदर 75% आपको करना ही, 75% या 75% से नीचे आपको प्रमोटर होल्डिंग करना ही पड़ेगी, मैंडेटरी कंपलसरी है ये। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। तो OMC ऑयल मार्केटिंग। बेसिकली क्या, रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर खबर देखने को मिल रही है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस अब कम होते देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहले से ये बात जो है निकल के आ रही थी कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस अब जो है कम होते देखने को मिलेंगे, वैसे ही यहाँ पर जो है अब बात चल रही है। तो ये कुछ न्यूज़ थी जो मैंने बताने की कोशिश करी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और नीचे मैंने डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक दे रखा है, आप चाहे तो वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।